इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे 2022-23 के, और वो भी अपने फ़ोन से। आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें बहुत तरह की जो है गेम्स दी गई हैं, जैसे शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, आर्चरी, तो बहुत तरह के जो है स्पोर्ट दिए गए हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, और पहले अभी भर लीजिए। उसके आगे एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा प्रोसीजर बताऊंगा उसके। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे सिलेक्ट होंगे, क्या क्या होगा, पूरा जो है लेवल दिए गए हैं वो आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले एक वीडियो बनाई गई थी कि ये रजिस्ट्रेशन है किस लिए है, क्या है ये, तो आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको उस लिंक जो है वेबसाइट का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा फॉर्म आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और ये क्लास 6 to 12 के लिए निकले हैं, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आपके लिए जो है पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और ये आप देख रहे हैं गेम्स दी गई हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत कुछ दिया गया इस वेबसाइट पर। और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है, नीचे ऐसे पढ़ लेना सारा कुछ। नीचे आने के बाद लास्ट में ये देखिए लेवल दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक नई भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए बहुत इजी वे में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ आ जाए। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है, और इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये हर राज्य के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई भी राज्य का बच्चा इसको जो है इसमें एडमिशन ले सकता है दिल्ली में जाकर, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, तो आपको कुछ डिटेल है, पहले तो बेसिक डिटेल है, फिर स्टूडेंट प्रोफाइल है, तो ये सारा दिया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले जो है नॉर्मल डिटेल भरेंगे फटाफट से, अपना नाम आपको भरना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नाम वही भरना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आ सकती है। तो आप एक आधार कार्ड रख लीजिए अपने पास, उसमें जो जो आपकी डिटेल है वो आराम से अपने फ़ोन से भर सकते हैं, और इजी वे में भरना आराम से, तसल्ली से। आप पहले देख लीजिए करना क्या है आपको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो यहाँ पर राज लिखेगा, लास्ट में कुमार लिखेगा। अगर उसका नाम जो है राजकुमार देवगन है तो राज यहाँ लिखेगा, देवगन यहाँ लिखेगा, कुमार नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें मिडल नेम नहीं लिखना है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी ही डालनी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है ये डिटेल फिल करनी ही करनी है। आप ईमेल आईडी कोई सी भी डाल सकते हैं अपनी फैमिली में से, ठीक है, जैसे पापा मम्मी या भाई बहन की है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मस्ट आपको डालना ही डालना है, 10 डिजिट का, ठीक है, जो आपको वर्किंग हो, ठीक है, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग आती हो। आधार नंबर भी जरूर डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, रेसिडेंट एड्रेस, आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ये आप आराम से फिल कर लेना आधार कार्ड में से देख के। उसके बाद राज्य, आप कौन सी स्टेट से हैं आपको सिलेक्ट करना है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दिल्ली के, तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेना। पिन कोड आप डाल देना अपने आधार कार्ड में से देख के, ठीक है। मैं इसलिए आधार कार्ड बोल रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड ही मेन है ज़्यादातर, उसमें सारी डिटेल अच्छे से फील होती है, ठीक है, उसमें आप देख के आराम से भरेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका दोबारा फॉर्म भर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज चूज़ करनी है आपकी कौन सी है टंग, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, हिंदी है तो हिंदी पे क्लिक कर देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें बोला कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हाँ तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं समझ सकते तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश के पूछा है कि आप इंग्लिश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है, यह आप आराम से तसल्ली से भरना। अब यहाँ पे आपको सिंपल जो है फादर का नाम डालना है, ठीक है, उसके बाद जो है पापा का नंबर, मतलब आपके फादर का जो है फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ ही सिंपल अपनी मम्मी का नाम, फिर अपनी मम्मी के फ़ोन नंबर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार नहीं दिया गया,
ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जो है सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। और गेम से रिलेटेड है तो यहाँ पे हाइट भी मांगेंगे, वजन भी मांगेंगे, ठीक है। तो आप आराम से एक बार चेक करके यहाँ देख लेना आपके कितने जो है हाइट सेंटीमीटर में बोला है ना, सेंटीमीटर में देखनी है, ठीक है। तो जो भी है आपकी तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और वेट कितना है आपका, ठीक है, वो आप देख लेना वजन नवाब के कि कितना आपका वेट। तो यहाँ पे करंट स्कूल बोला, जो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं ना उसका स्कूल का नाम आपको फिल करना है, ठीक है। और क्लास अभी आप कौन सी क्लास में, ठीक है। अभी इसमें 9th आ रहा है, शायद 10th या 11th 12th अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे भी होगा वैसे इन्फॉर्म कर दूँगा मैं भी। तो आप जैसे ही 9th में तो नेक्स्ट क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको करंट स्कूल का मतलब कि करंट का मतलब होता है अभी कौन से आप स्कूल में हो उसका आपका नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। यहाँ पे तो नाम आ गया, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट, ठीक है, आप कौन से स्टेट में हैं, दिल्ली तो दिल्ली, गुजरात तो गुजरात क्लिक कर देना, ठीक है। फिर उसका पिन कोड डालना है आपको, उसके बाद जो है पिन कोड डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ। और इसने स्पेशली बोला है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना स्कूल के उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आप एज डालेंगे तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से क्लास भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप 7 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 7 क्लास कर देना, एज के हिसाब से आपकी क्लास भी आ जाएगी, आप इस क्लास के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो लास्ट ऑप्शन है, अब देखिए हमने दो स्टेप तो फॉलो कर लिए, पहला और दूसरा, अभी लास्ट स्टेप बचा है, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो 2-3 स्टेप है, फटाफट से फॉलो कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में आपका खेल जो है मुख्य खेल कौन सा है, टेनिस है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस, जो भी है उस पर जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे शूटिंग है तो शूटिंग पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कोई उपलब्धि हासिल करी है, जैसे कोई स्टेट लेवल खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल कोई खेला है, इंटरनेशनल लेवल आपने कुछ करा है, तो आप सिंपल जो है उस पर क्लिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी लेवल आपने नहीं खेला है, कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई और अचीवमेंट हासिल करी है गेम में, कुछ गेट करा है, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने टूर्नामेंट का नाम लिखेंगे, अगर जिसने भी आपने कोई भी टूर्नामेंट खेला है तो आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। और टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था वहाँ पे आप उसका प्लेस लिख देंगे, जगह लिख देंगे। और यहाँ पे आपने कोई इवेंट करा हो, कोई प्रीफिट सपोर्ट करा हो, तो आप उसका टाइटल लिख देंगे, ठीक है। और पोजीशन आपकी क्या आई थी उसमें, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, ब्रोन टॉप 5 में आए थे, पार्टिसिपेट नहीं करा था, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं जीते, सिर्फ आपने पार्टिसिपेट करा है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 5 जो है मुख्य प्रमुख खेली गतिविधियाँ बतानी है, टाइटल लिखना है कि पहला कॉम्पिटिशन जो था इसका था, क्रिकेट का कॉम्पिटिशन था या से रिलेटेड था, मतलब कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे खेल जितने भी दिए गए हैं उससे रिलेटेड आप जो है यहाँ पे फील कर सकते हैं कंपटीशन जोन जोन से हुए थे। तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल ये है कि आपने जो भी कंपटीशन खेला है, ठीक है, उनके आपको नाम लिखने हैं सिंपल, ठीक है। कोई क्रिकेट का खेला है या कोई शूटिंग का, कुछ भी आपने कॉम्पिटिशन खेला तो वहाँ पर सिंपल यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। ऐसी फिर आपको ऐड करना है, 1-5 ऐड करने टोटल, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप सिंपल जो है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है कंपटीशन के टाइटल आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो है लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, ओलंपिक में जीतना चाहते हैं, गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं अपने व्यूज़, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल जो है प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, मतलब अपनी डिटेल एक बार चेक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने नॉर्मल डिटेल फिल करी थी आपके लिए, तो ये आप प्रीव्यू कर सकते हैं अच्छे से अपनी डिटेल एक बार, ठीक है। एक बार अपनी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती कर दी है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। जब सबमिट कर देंगे फिर एडिट नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये सिंपल सबमिट पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।